दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंसी वर्ड 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिलाल और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिजन्स के नेस्टिंग मटेरियल के हवाले से। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं बताया था, बट आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि अक्सर एक सवाल होता है कि मैंने ये इस तरह से ये क्रेट्स दीवार के ऊपर क्यों लगाए हुए हैं और इसका क्या मकसद है, कहाँ से आया, इसमें क्या नेस्टिंग मटेरियल डाला हुआ है वगैरह वगैरह। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और मैं इसके बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि ये शायद अगर आपको हैंग करना है, अगर आपको हाइट पे थोड़ा सा नेस्टिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करनी है पिजन्स को, तो ये सबसे बेस्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो जी ये कुछ क्रेट्स मैंने लगाए हुए हैं दीवार पर और इसमें आपको ये कुछ घास नज़र आ रहा होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये सिंपल आम की पेटी हैं जिनको जो है वो दो साइड से थोड़ा सा खोला हुआ है, और अगर आपको आइडिया हो रहा हो तो ये दोनों एंड्स पे ये तारें लगा के मैंने दीवार के साथ इसको फिट किया हुआ है, दीवार पे किले ठोक के उसके साथ तार बांध के फिट किया हुआ है। तो ये मैंने मतलब जो है ना ऊपर नीचे दो दो पेटियाँ लगाई हुई हैं और ये थोड़ा हाइट पे हैं। अब इससे होता क्या है कि मैंने ये नोट किया कि काफ़ी सारे पिजन्स को हाइट पे ब्रीड करना ज़्यादा पसंद है, वो थोड़ा सा हाइट वाली जगह बैठ के ब्रीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। और मेरे कुछ पेयर हैं वो मुसलसल एटलीस्ट एक साल से इन्हीं पेटियों में, स्पेसिफिक पेटियों में ब्रीड कर रहे हैं। बट देन मैंने देखा कि कुछ ऐसे पेयर्स भी हैं जो प्रेफर ही नीचे ब्रीड करना करते हैं, उनको थोड़ा कवर्ड स्पेस पसंद होती है, तो उनके लिए मैंने नीचे ये सेब की पेटियाँ, ये ज़रा ज़्यादा बड़ी होती हैं, इनके लिए ये रखी हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ पेयर हैं उनको बहुत ही ऑड जगहों पे, ओपन जगह पे एकदम से अंडे देके वहाँ नेस्टिंग करने की आदत है, तो ठीक है उनके लिए भी स्पेस रखी हुई है। तो जिसका मतलब जहाँ दिल करे, जिस तरह जो जहाँ कम्फर्टेबल हो। तो अच्छा, इस सब के बावजूद मैंने ना यहाँ ये मेरे पास केजेस हैं, अब तो खाली हैं बिल्कुल, इनकी ट्रेस निकाल के ना मैंने रखी हुई थी। अब वो ट्रेस की अब हालत भी देख रहे होंगे, थोड़ा मैसी हुआ है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैंने ट्रे उठाई तो उसके पीछे किसी ने ब्रीड किया हुआ था। तो मतलब जो पिजन्स हैं ना, पिजन्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जगहों के ऊपर ब्रीड करने के आदि होते हैं, उनको मेरे नज़दीक हर तरह का माहौल देना चाहिए, वो जहाँ कम्फर्टेबल हों, जहाँ ईजी फील करें, तो वो बेस्ट रहता है। और इससे क्या होता है कि जो पिजन्स होते हैं ना वो खुश भी ज़्यादा रहते हैं। तो यूजली होता ही है कि जो बड़ी ब्रीड्स हैं ना, थोड़ी सी जैसे अमेरिकन फैंटेल्स हैं जिनकी टेल्स आपको पता है थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, वो ही ज़्यादा नीचे ब्रीड करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे बार बार उड़ नहीं सकते, उनको वेट की वजह से और साइज़ की वजह से थोड़ी सी तंगी होती है। इसी तरह जर्मन शराजी भी वैसे तो अच्छी फ्लाइट है इनकी, लेकिन आपको पता है कि ये साइज़ वाइज थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये भी मैंने देखा कि ये नीचे प्रेफर करते हैं। जो इंडियन फैंटेल्स हैं या फोस्टर्स हैं, जो थोड़े से हल्की ब्रीड्स हैं एज इन वेट वाइज, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हाइट पे बैठना, और वो ब्रीड भी हाइट पे ही करना पसंद करते हैं। अभी मतलब इस सब के बावजूद ये देखें, ये एक केज है, ये केज की छत के ऊपर जो है ये नेस्ट बना रहा है एक पेयर। अब अल्लाह जाने कौन सा, ये जब बैठेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह से क्या है कि मतलब मुझे ये लगता है कि ना आप ये ज़रूर करें, दीवार के ऊपर इस ना क्रेट्स वगैरह लगा दें, ये ज़रा सोफिस्टिकेटेड भी लगता है, अच्छा ऑर्गेनाइज्ड भी है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कोशिश करें कि नीचे भी इनको जो है ना थोड़ा सा बैठने की जगह दें। अगर कोई पेयर नीचे ब्रीड करना चाहता है, किसी वजह से ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा या उसको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो वो नीचे ब्रीड कर सके, खुश रहते हैं पेयर। तो ये हो गए जी इनके नेस्ट के हवाले से। अब नेस्टिंग मटेरियल की बात करते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स में ये पराली है, इसको पराली कहते हैं। ये फ्रूट की जो बास जो क्रेट होता है, आप किसी भी फ्रूट वाले के पास चले जाएँ, वेजिटेबल वाले के पास चले जाएँ, उनके पास जो मंडी से सामान आता है जिन क्रेट्स में आता है, तो उसमें ये पैकिंग मटेरियल के तौर पे ये पराली डाली जाती है। सिंपल घास है, सूखा घास होता है, तो ये बहुत बेहतरीन है इनकी नेस्टिंग के लिए हर लिहाज से, और ये बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा। ये मतलब उनके लिए भी यूज़लेस होता है, क्योंकि तो मैं तो बोरी लेके जाता हूँ और पूरी बोरी एक भरवा के वो ले आता हूँ, और मेरा उसमें आराम से जो है ना 4-6 महीने निकल जाते हैं बोरी में। तो ये है कि मतलब इन्होंने ब्रीड कर दिया, कुछ अर्से बाद इनकी पराली उठाई, चेंज कर दी और नई पराली डाल दी। बट डेफिनेटली ये पिजन्स हैं, पिजन्स बहुत गंद मचाते हैं, जो रखने वाले हैं उनको पता है, जो देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लगेगा बहुत गंद मचा हुआ है, बट जो रखने वाले हैं उनको पता है कि कॉलोनी केजेस में बहुत ज़्यादा गंद मचता है। तो ये अभी आप जितनी भी सफाई कर लो, मुसलसल स्टिल गंद मचता रहता है।
और जब ये ब्रीड करते हैं तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा गंद मचता है ना, तो फिर आपको पराली को चेंज करना ज़रूरी होता है ताकि ये अगेन दोबारा नेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएं, और जो है ना इनका केज साफ़ सुथरा हो ताकि इनके चिक्स अफेक्ट ना हो। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो पिजन्स की नेस्टिंग के हवाले से, नेस्टिंग मटेरियल के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। टेक केयर, हाफिज़।